इसके पहले वाले क्लास में हम लोग वेव फंक्शन के बारे में जाना कि वेव फंक्शन क्या होता है और कौन सा ऐसा कंडीशन होगा कि साई का वैल्यू जो होगा वैलिड होगा। आज हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर के बारे में जानेंगे। साई स्क्वायर का, साई का अपना कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसमें कुछ इमेजिनरी पार्ट भी होते हैं, इस वजह से साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, उसको हम लोग फिजिकली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज करके बहुत सारे फिजिकल वेरिएबल्स को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। द वेव फंक्शन साई इज, द वेव फंक्शन साई इट्सेल्फ हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। Because it has some imaginary part and is a complex function। यानी अगर साई को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं साई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, वेयर ए एंड बी इज रियल फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट and I is imaginary part which value is equal to root under minus 1। अगर इसका complex conjugate लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, its complex conjugate is given as psi star is equal to ए माइनस आई बी, केवल साइन चेंज हुआ है। अगर हम साई स्क्वायर लिखें तो लिख सकते हैं साई स्क्वायर इज इक्वल टू साई इंटू साई स्टार इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आई ए बी माइनस आई ए बी प्लस बी स्क्वायर, और क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमेशा क्या होगा एक रियल क्वांटिटी होगा। यानी कि साई का अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं हो, लेकिन साई स्क्वायर हम जब भी निकालेंगे तो वो एक क्या होगा, रियल क्वांटिटी आएगा। और इसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी, इसको हम लोग साई स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड पी और प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इस साई स्क्वायर को के बारे में सबसे पहले आइंस्टाइन ने बताया था, और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कहा था कि साई स्क्वायर जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, जिसका मतलब कि इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ अ फोटोन पर यूनिट स्पेस। यानी कि स्पेस में कहीं भी फोटोन के पाए जाने की जो संभावना है वो क्या है, साई स्क्वायर है। और सेम चीज को पार्टिकल वेव के लिए मैक्स बॉर्न ने दिया था, क्या है, अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न इन 1900
26 probability of finding of an electron in an atom is given by psi square. Probability of T of finding of a particle in a given volume or space at a particular time is given by psi square, which is equal to psi into psi conjugate. अगर ये वैल्यू हमें मिल जाए तो इससे हम क्या करेंगे कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी भी प्रोबेबिलिटी कहाँ पे पाए जाने की ज़्यादा है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, यानी कि वो स्पेस है, वो रीजन है जहाँ पर कि अगर हम किसी पार्टिकल की केवल बात करें तो किसी पार्टिकल की पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, वो रीजन है। वैसे अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो कह सकते हैं कि साई स्क्वायर वो रीजन है जहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगी फ्रॉम वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर। From value of psi square at different point within an atom at within an atom it is possible to produce it is possible to predict the region around a nucleus in an atom where electron will most probable probably be found. Psi square वो region है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का संभावना जो है सबसे ज़्यादा है। अगर हमको साई स्क्वायर का वैल्यू पता हो तो हम पता कर सकते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, और हर टाइम के लिए ये साई स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो अलग होगा, यानी कि ये टाइम और डिस्टेंस टी और एफ दोनों पे डिपेंड करता है, वो कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड करता है और टाइम पे भी डिपेंड करता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था अगर हम एक रीजन ले ए से बी, वहाँ के लिए अगर तो ये जो होगा साई स्क्वायर डी एक्स जो होगा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रीजन ए बी। वेव फंक्शन साई है जिसमें कि हम कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियस के अंदर
एक रीजन ए बी के बीच में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच का जो एरिया होगा इससे हमें पता चलेगा यहीं पर सबसे ज्यादा संभावना है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, और यहाँ पे क्या होगा सबसे मैक्सिमम संभावना होगा, प्रोबेबिलिटी होगा इलेक्ट्रॉन के मिलने का, इस पॉइंट पे क्या होगा मिनिमम होगा, और ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होगा। यानी कि हम इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं कि ये जो रीजन है ये हमें कैसे मिलता है साई स्क्वायर से, और साई स्क्वायर हमें वो रीजन देता है जहाँ पर कि किसी अगर पार्टिकल की बात करें किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में एट अ पर्टिकुलर टाइम, उस पार्टिकल के बारे में बताता है कि उसकी किस रीजन में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग की, और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो एक एटम में बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस प्लेस पे सबसे मैक्सिमम होगा एट अ पर्टिकुलर टाइम। अगर आपने इससे पहले वेव फंक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे ज़रूर देखें। थैंक यू।